हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो नवरात्रि को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दोस्तों को, हमारे फ्रेंड्स लोग को। तो आज हम देखो यहाँ पर माता रानी को फूल वूल चढ़ा दिए हैं और माला वाला जो भी हमारे पास है। तो यहाँ हम कलश की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ अष्टदा कमल जो बनता है इसको चावल से हम बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं और जो है कि इसमें हम कलश रखेंगे और माता रानी के लिए कलश रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा घर में रोज ही होती है। और यहाँ पर देखो चार बना है, अभी हम देखो एक भूल जा रहे हैं यहाँ। और यहाँ जो कलावा है इसको भी हम पहना है। कलश में हम देखो पहले कलावा को पहन लेते पानी, क्योंकि हम गए थे गंगा नहाने तो वहाँ से हम जल भर के लाए थे। अभी और घर में भी जल है तो उसको भी अभी हम डालें। पहले कलावा को हम ऐसे पांच बार लपेट देते हैं। हम लपेट के ऐसे लपेट दिए हैं और हम कलशा पहले से ही सजा के रखे थे फ्रेंड, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम वीडियो नहीं जल बना पाते हैं। तो हाथ में लेकर पहले हम अपनी मनोकामनाएं को, जो भी हमारी मनोकामनाएं, पहले हम भगवान से मांगेंगे, माता रानी से। उसके बाद हमने हाथ में ले लिया है हल्दी और देखो हम यहाँ भी, और हम गंगा जल डाल रहे हैं कि डिब्बे में बचा हुआ था अभी और ढेर सारा बचा हुआ है। तो हल्दी है, पैसा है, लौंग है और क्या बोलते हैं, धूप है, अच्छत है। सब लोग हम मतलब इलायची इलायची वगैरह वगैरह जो भी होता है तो हम माता रानी को डाल दिए। देखो यहाँ पर पत्ते पर हमने अच्छे से सजा दिया है कि यही माता रानी के लिए। और यहाँ पर देखो हम चुनरी लपेट कर, हम नारियल को खड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि नारियल को हम खड़ा नहीं रखेंगे। और इसको हम ऐसे देखो हमारा बन नहीं, हमारे पास जो हो सका वो हम दक्षिणा रख कर, और हम यहाँ देखो पहले गौरी माँ की सिंदूर लगा रहे हैं और सुपारी भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखो हम दीप जला दिए हैं, माता रानी का घी का दीप, और इधर तिली का तेल घी का दीपक है दोस्तों, क्योंकि तिली का तेल माना जाता है माँ के लिए।
इसीलिए तिली का तेल का दीपक दीपक जलाएं, और घी का जो हमारे पास है माता रानी को, तो हम सुबह शाम इसी को हम जला देंगे, तो हम इसी तरह से पूजा कर लेंगे दोस्तों। और हम अब सिंदूर सबके लगा दिए हैं, तो अब यहाँ कलश पे पहले लगाए, फिर अब माता रानी को लगाएंगे, फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं के धीरे धीरे सब सिंदूर लगाएंगे। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहना। यहाँ पर धूप बत्ती जला दे रहे हैं, धूप बत्ती हम सबको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम माता रानी का पूरा श्रृंगार भी चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हम आरती होने लगी है, अब आरती हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं, तो हम माँ की आरती कर लेते हैं, पहले गणेश भगवान की, फिर उसके बाद बाबा की, फिर उसके बाद हम माता रानी की आरती कर लिए हैं। अब आरती हम यहीं पर सम्पन्न करते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट